हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि आपने 9th में पढ़ी हुई है वैसे तो, लेकिन मैं इसे कराता हूँ आज। ध्वजांक विधि का पहला उदाहरण है 2, 3, 7, 5, 4, इसको भाग देना है 74 से, ठीक है। तो ध्वजांक विधि का पहले मतलब समझ लो, ध्वजांक विधि में क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं, फिर संशोधन करते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर संशोधन करते हैं, फिर भाग देते हैं, आखिरी स्टेप में सिर्फ और सिर्फ संशोधन करते हैं। सर ये क्या होता है संशोधन और भाग? बेटा भाग तो होता है डिवाइड करना, ठीक है, और संशोधन मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना, ठीक है। संशोधित भाज्य कहते हैं उसको, ठीक है, वह भी समझ में आ जाएगा, सवाल करेंगे तब। तो सबसे पहला नियम होता है आप नंबरों को ऐसे लिखोगे, कुछ थोड़ा छोटा बन गया, टू थ्री सेवन फाइव और लास्ट में 4, ठीक है, ऊपर 4 नीचे 7। बोलोगे सर ये मतलब जमाने का सिस्टम समझाओ। जमाने का सिस्टम ऐसा है, सारी संख्या अंदर लिखो, एक संख्या बाहर जाएगी, ठीक है, लास्ट वाली संख्या हमेशा बाहर रहेगी, ठीक है, और जिससे भाग दे रहे हो ऊपर एक संख्या, ऊपर एक संख्या नीचे, लास्ट वाली संख्या हमेशा ऊपर जाएगी, जो कि ध्वजांक कहलाती है। ध्वज का मतलब होता है झंडा, तो झंडा हमेशा कहाँ लहराता है, ऊपर लहराता है ना, इसलिए ध्वजांक नीचे है, मतलब बीजांक, क्योंकि बीज हमेशा जमीन में होता है, ठीक है। तो ये ध्वजांक हो गया बीजांक। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, भाग देना है, किससे किसको भाग देना है, भाग देने के लिए हमेशा ये संख्या काम आती है और संशोधन करने के लिए हमेशा ये वाली संख्या। तो भाग देंगे 23 को आप भाग दीजिए 7 से, 23 को 7 से भाग दिया, कितनी बार भाग जाएगा, 7 3 21, शेषफल आपको भागफल और शेषफल लिखना है, सॉरी भागफल 3 शेषफल 2, भागफल 3 और शेषफल 2। तो आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा है आपने भागफल और शेषफल? बेटा भागफल हमेशा नीचे आता है, जिसे क्वेश्चन बोलते हैं क्यू, और शेषफल हमारा आर जो होता है, वो 23 को भाग दिया ना, तो 23 और 7 के बीच में लिखोगे। तो कुछ नहीं किया, पहले स्टेप में अपन ने 23 को 7 से भाग दिया है, 2 को इसलिए नहीं दिया क्योंकि 2 तो छोटा नंबर है ना, इसे भाग नहीं जा सकता। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, करेंगे एक नंबर बन रहा है यहाँ पर 27, 27 का संशोधन करेंगे। कैसे करेंगे 27 का संशोधन, 27 माइनस ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या, 3 × 4, ध्वजांक संशोधन करने का काम आ रहा है। तो 27 में से गए 12, कितना आ गया 15। संशोधन करने के बाद अब 15 को आप भाग दीजिए 7 से, तो भागफल आ जाएगा आपका, भागफल के लिए डॉट लगाओगे यहां पर, 7 × 2 = 14 और शेषफल आ जाएगा आपका 1, भागफल 2 और शेषफल 1। अब यहां पर कौन सी संख्या बन रही है 15, तो फिर से 15 का संशोधन करो, 15 माइनस यहां पर कौन सी संख्या अब 2 × 4, तो 15 - 8 कितना हो गया 7। तो 7 को भाग देंगे 7 से, भागफल 1 शेषफल 0, भागफल 1 शेषफल 0, ठीक। तो आखिरी स्टेप पे पहुंच गए अपन। अब बोलोगे सर आखिरी स्टेप ये कैसे पता चला आपको आखिरी स्टेप है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या थोड़ी ना है, हम लास्ट वाले कॉलम में पहुंच गए। अब क्या करेंगे आखिरी स्टेप में, सिर्फ संशोधन करते हैं। संशोधन कैसे करेंगे, 04 माइनस 1 × 4, तो बेटा 4 - 4 कितना होता है 0, ये आ गया 0। तो बेटा आपका उत्तर होगा, फाइनल उत्तर भागफल 321 शेषफल 0, भागफल आ गया 321 और शेषफल आ गया आपका 0।
तो बेटा यह है आपकी ध्वजांग विधि। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ चीज़ दोबारा मेरे को रिपीट करनी हो तो वीडियो को पीछे करके देख लो। ठीक है, मिटा रहा हूँ। आगे चलते हैं, प्रश्नावली पे चल रहे, सीधे प्रश्न वाला प्रश्न प्रश्न माला एक। क्वेश्चन नंबर 12 है, 4532, इसको भाग देना है 112 से। अब सिर्फ सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर यहां पर टू लिख दिया मैंने, ठीक है ये तो समझ में आ गया, आखिरी संख्या बार लिखी जाती है। सर 112 में से ध्वजांक किसको लें? बेटा ध्वजांक उसी को लेंगे जो आखिरी में है, मतलब लास्ट की एक वैल्यू आपकी ध्वजांक है, बाकी जो बच गया वो बीजांक है। अब पहला स्टेप, 45 को आप भाग दोगे किससे? 11 से, तो भागफल आ गया आपका 11 चौक 44, शेषफल आ गया आपका 1, भागफल 4 शेषफल 1। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, 13 माइनस, ये 13 बन रहा है ना, माइनस 4 × 2 तो कितना हो गया, 13 माइनस 8 कितना आ गया, 13 में से 8 गए तो 5 बच गए। अब इसका संशोधन कर लिया, अब इसको भाग देंगे, 5 को भाग देंगे अपन 13 से। तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस कैसे होगा? बेटा हो सकता है 5 को भाग दो 13 से, सॉरी 13 से नहीं 11 से देना है यहां पर। जब भाग जाता नहीं है तो 0 लगाते हैं, 0 दिया 5, तो भागफल आ गया 0 और शेषफल आ गया 5। भागफल आ गया 0, शेषफल आ गया 5, भागफल 0, शेषफल आपका आ गया 5। ठीक है, थर्ड स्टेप, 52 माइनस, संशोधन करेंगे 0 × 2 तो 52 में से 0 गए तो 52, तो आपका ये आपको उत्तर क्या हो गया, भागफल बराबर 40, शेषफल आपका 52। समझ में आ गई बात, भागफल 40 और शेषफल 52। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 1 2 3 4, इसको भाग देना है 42 से। ठीक है, तो अब देखिए, 1 2 3 4 42 से भाग देना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले 12 को भाग देंगे 4 से, पहला स्टेप ये होता है, 12 को भाग दिया 4 से, भागफल आया, 3 बार जाएगा और पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए शेषफल आ रहा है आपका 0, 4 और 0। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 0 3 माइनस 4 × 2 और जब 3 आएगा इधर, 3 × 2 तो 3 में से 6 गए तो, एक सेकेंड, 3 में से 6 गए तो आपके माइनस का 3 आएगा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी हम संशोधन करते हैं हमारा नेगेटिव में नहीं आ सकता, माइनस की संख्या नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे, इस स्टेप को काट दोगे। बोलोगे सर एग्जाम में क्या करेंगे, फिर एग्जाम में भी काट के दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब काटते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर जाएंगे, भागफल और शेषफल को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, भागफल में से एक घटा देंगे तो भागफल हो जाएगा दो, तो यहां पर दो कर दो, और शेषफल में ये वाली संख्या जोड़ दो। ये वाली संख्या बोल लो या ये वाली संख्या बोल लो, बात एक ही है। तो शेषफल में वाली संख्या जोड़ेंगे तो जीरो में चार जोड़ो, चार, तो नई संख्या ही आ गई। ठीक है, कब क्या करेंगे अपन, 43। दूसरा स्टेप फिर से करेंगे, 43 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 43 माइनस 4, ये आ जाएगा 39। अब 39 को आप भाग दोगे किससे, 4 से, कितनी बार जाएगा, 9 बार, भागफल, और आपका शेषफल आ जाएगा 4, भागफल 9 और शेषफल 4। ठीक है, तो लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, 44 माइनस 9 इंटू 2 कितना होगा, 18, तो 44 माइनस 18, एक मिनट देखना, तो यही आ रहा है क्या, शेषफल यहां पर भागफल 36 गए तो 3 आएगा यहां पर। यहां पर एक बार फिर से सुन लो, 4 से भाग देंगे, 4 9 जा 36, तो 39 में से 36 गए हैं तो 3 बचेंगे यहां पर, तो यहां पर 3 बचेगा, तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, तो 34 में से 18 गए तो कितने बच गए, 16। तो आपका भागफल आ गया 29, शेषफल आ गया 16। आ गई बात समझ में, ऐसा था। मतलब कई बार हमें कोई स्टेप अगर नेगेटिव में जा रहा है तो उसको काट के सही करना पड़ता है, और सही कैसे करते हैं, जो भागफल है उसमें से तो एक घटा दो और शेषफल में हमारा ये वाला नंबर जोड़ दो, जिसे हम भाजक कहते हैं। तो आपका ये सवाल भी हो गया। आपका 14वां सवाल है, नौ आठ सात छ पांच, इसको भाग देना है अपन को 87 से। ठीक है, देते हैं, नौ आठ सात छ पांच, 87 से भाग दिया। ये ध्वजांक के बीजांक, पहले पहला स्टेप, ये थोड़ा नब्बा जाएगा सवाल तो ध्यान से देखना। पहले 9 को भाग देंगे 8 से, हमेशा दो दो संख्याओं को भाग दे, ऐसा जरूरी नहीं है, एक जा रही है ना इससे भाग, तो एक को भी दे सकते हैं। तो भागफल आएगा, एक बार जाएगा भाग, शेषफल आएगा एक, भागफल एक शेषफल एक। दूसरा नंबर आ गया अपने पास 18, 18 में से एक इंटू सात, ये माइनस करो तो 18 माइनस 7 बराबर 11, 11 को भाग देंगे फिर से 8 से, तो भागफल आ जाएगा आपका एक, शेषफल आ जाएगा 3, भागफल एक शेषफल 3। ठीक, 37, 37 माइनस एक इंटू सात, फिर से एक इंटू सात, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 7 बराबर 30। अब 30 को भाग दोगे आप किससे, 30 को भाग देना है हमें 8 से ही, सो 8 या 24, भागफल 3 शेषफल 6, भागफल 3 शेषफल 6। चौथा स्टेप, 66 माइनस 3 इंटू सात, 3 इंटू सात कितना हो जाएगा, 21, तो 66 माइनस 21 करो, यह आ जाएगा आपका 5,
और चार 45, तो 45 को भाग दोगे 8 से, भागफल आ जाएगा आपका 5, शेषफल आ जाएगा आपका, हाँ शेषफल भी आ जाएगा 5, 8 5 40, 45 में से 40 घटाओ 5 आ जाएगा 5। अब आखिरी स्टेप पे पहुंच गए, तो 55 माइनस 5 × 7 बराबर 55 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो बेटा फाइनल उत्तर आएगा भागफल जो होगा आपका 1135, शेषफल आएगा आपका 20। समझ में बात आ गई, यह है आपका भागफल और शेषफल। अब हमने छोटे वाले सवाल सारे कर लिए, अब दो उदाहरण और करवाने हैं आपको, ठीक है? वो दो उदाहरण करवाता हूँ, कहाँ गए उदाहरण, ठीक है। मैंने एक उदाहरण आपको करवा दिया था पहले, अब उदाहरण दो करवाता हूं। 2 1 1 1 2 भाग देना है 812 से, बच्चे क्या सोचते हैं तीन अंकों वाली संख्या में ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर तीन अंक की संख्या है तो इसमें हम क्या करें, इसमें जो है ना नंबर होता है ना आखिरी, ये क्या हो जाता है ध्वजांक हो जाता है, और बाकी दो बचे हुए बीजांक होते हैं। ज़्यादा टीचर क्या करवाते हैं, बीजांक एक ही लेते हैं, मतलब यहाँ पर 12 लिखते हैं, लेकिन वैसे करोगे तो आपके दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है? तो यह तरीका आसान है। तो सबसे पहले करेंगे 211 को भाग 81 से, 211 को भाग देंगे 81 से, ये हो जाएगा 162, 162 दिया तो ये आ जाएगा अपने पास 9 49। पहला 211 भाग दिया 81 से, तो भागफल आ गया अपना, भागफल आ गया 2, शेषफल आ गया 49, भागफल 2 शेषफल 49। तो अभी नेक्स्ट नंबर क्या बन गया, 491, सो 491 माइनस 2 × 2, सो 491 माइनस 4, माइनस करो 491 में से 487, 487 डिवाइडेड बाय 81, 487 को आप डिवाइड करोगे 81 से, करो 81 भाग 487, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 486, कितना बच गया एक, ठीक है? तो ये गया अपना 6 बार, शेषफल बच गया 1। तो अब आखिरी स्टेप पे पहुंच गए अपन, मैं इसको मिटाई देता हूं एक बार, 12 तीसरा स्टेप है ना ये, 12 माइनस 6 × 2, देख लो 6 × 2 सॉरी 6 × 2, तो 12 माइनस 12 बराबर 0। तो बेटा भागफल आ गया आपका 26, शेषफल आ गया 0। तो बेटा इसी के साथ आपकी ध्वजांक विधि खत्म होती है, ठीक है? इस सवाल को अच्छी तरह देख लो, कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ लो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो पर रिवर्स करके देख लो। ध्वजांक विधि के साथ आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं अब इस चैप्टर में, और आपको ध्वजांक ये जो आज जितने भी सवाल कराए हैं सारे आपको कॉपी में करने हैं। उसके अलावा आपको एक सवाल मैं देता हूँ, वो एक्स्ट्रा करना है आपको,
वो एक सवाल है आपका। वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इसको भाग देना है 975 से। इसका आंसर आएगा, भागफल आएगा 13, शेषफल आएगा 904, और ये आपको खुद करना है। मैंने आपको उत्तर बता दिया, तो ये सवाल तो करने ही, उसके साथ वाला आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ध्वजांग विधि कंप्लीट। अभी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक फॉर्मूले वाला पार्ट बचा है, उसको देखना है मैं कैसे कराऊंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं।